नमस्कार आजकल जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत के विभाजन को लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं सर के माध्यम से और सर का इस विषय पर बहुत गहरा शोध है बहुत सारा काम है और इसके तहत हमारी कई सारी कड़ियां हैं लगातार जो आई है और आज इस पूरी बातचीत के बहुत ही महत्वपूर्ण मरहले में हम दाखिल हो चुके हैं और ये है लाहौर सेशन मुस्लिम लीग का इससे पहले भी जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगातार वो तैयारियां तो चलती रही वो कई बार लगता था कि साफ़ तौर से वहीं जा रही हैं कई बार लगता था कि नहीं कुछ और इसके इदारा हो सकते हैं पर जो लाहौर सेशन है बहुत सारे लोग फिर ये मानते हैं कि पाकिस्तान के गठन को लेकर पहला एक इतना खुल के और इतना बड़ा स्टेप जिन्ना ने फिर वो उठाया तो आज इस कदम के बारे में कि जिन्ना के पास इतनी ताकत फिर वो कहाँ से आई कि वो ऐसा कुछ कर सके उन्होंने जिस जगह का चुनाव किया लाहौर का तो उसका चुनाव फिर क्यों किया और इस पूरे समय में इतना बड़ा समय जो हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन के लिए था उस वक्त में अंग्रेज क्या कर रहे थे और जो कांग्रेस उस समय पर क्या कर रही थी इन तमाम चीज़ों के बारे में सर यानी कि डॉक्टर अमरजीत सिंह जी आज हमें बताने वाले हैं मोहम्मद अली जिन्ना और भारत का विभाजन इस श्रृंखला में पिछली बार हमने 1939 थर्टी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होना और उस समय जिन्ना और मुस्लिम लीग का भारतीय राजनीति में कद कैसे बढ़ा ब्रिटिश के साथ उसकी किस प्रकार से एक सामंजस्य स्थापित हुआ है इसके बारे में हमने चर्चा की थी वहीं से आज हम शुरुआत करते हैं आ, उसमें एक इशू मुझे लगता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है थोड़ी सी इंटरपटेशन मेरी तरफ से रह गई थी तो मैं इसलिए वहाँ से शुरू करता हूँ तो हमने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि युद्ध के, युद के समय कांग्रेस ने जो कुछ किया वो उसकी बहुत भारी भूल थी जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत भारी कमज़ोर कर दिया तो उसी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तो भूल से हम क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ रहा था तो ये वो उचित समय था कि उससे उस समय ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक जन आंदोलन करना था वो जन आंदोलन उसने नहीं किया बल्कि उसने बीच का रास्ता चुन लिया और वारदा कमेटी के रेजोल्यूशन के पश्चात सरकार से उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि आपका उद्देश्य क्या है युद्ध का और भारत की आज़ादी की बात करें तो ये बड़ी सिंपल सी बात है डिप्लोमेटिकली अगर इसको कांग्रेस सोचती तो उस समय ब्रिटिश तो कोई बात करेगा ही नहीं तो नेचुरली उसने कोई बात करने से इनकार कर दिया और कांग्रेस ने अपने मिनिस्ट्री से रिजाइन करने का फ़ैसला कर लिया जो कि उस समय ब्रिटिश के इंडिया के ग्यारह प्रांतों में आठ प्रांतों में उसकी सरकार थी तो ये भारी भूल इस प्रकार से हुई कि कांग्रेस ने आल इंडिया मुस्लिम लीग को जो कि काफ़ी लंबे समय से प्रयत्न कर रही थी अपने आप को स्थापित करने के लिए एक मजबूत स्तर पे उसको मौका दे दिया साफ साफ क्योंकि यदि आप निष्ठी छोड़ रहे हैं आप किसी भी तरह से राजनीति से जो अलग कर रहे हैं अपने आप को तो उसमें कौन आएगा तो उसमें मुस्लिम लीग आएगी तो मुस्लिम लीग को उसने मौका दे दिया एक तो बात ही है और दूसरा ब्रिटिश राज के साथ भी संबंध स्थापित करने का मौका दे दिया उसने मुस्लिम लीग को तो मुस्लिम लीग को दो तरह के उसने मौके प्रदान कर दिए तो ये उसकी बहुत भारी भूल थी दो तरह से भूल हुई एक तो ब्रिटिश के विरोध में आंदोलन नहीं कर रहे आप और दूसरा आप एक सांप्रदायिक ताकत जो है उसको मौका देने जा रहे हैं तो जिसका बाद में जो है परिणाम बहुत भयंकर तौर पर कांग्रेस को और भारत के लोगों को जो है भुगतना पड़ा था और यही कारण था कि जिन्ना जो है उसका कद एकदम बड़ा और इस संबंध में उसने एक लेटर लिखा है लियाकत अली खान को तो लियाकत अली खान को जब वो लेटर लिखते हैं तो उसमें बताते हैं कि देखो हमारी कितनी बड़ी जीत हो गई तो वो लिखते हैं लियाकत अली खान को कि अब तक तो वायस राय केवल कांग्रेस की ही बात करते थे अब युद्ध होने की शुरुआत के आलम में वायस राय को ये मालूम हुआ कि मुस्लिम लीग और जिन्ना की ताकत क्या है इसलिए अब उसने मुझसे बात की है अन्यथा अब तक तो वायस राय गांधी गांधी और गांधी की ही बात करता था तो इससे पता लगता है कि उसकी जो है कितनी बड़ी ये फतेह हो गई थी कितनी बड़ी जीत हो गई थी जिसकी लेटर जो एक के जो कंटेंट्स हैं उसके जो लिखने का जिस तरह से गांधी गांधी बार बार लिख रहा है इससे मालूम होता है तो ये थोड़ी सी इंटरपटेशन मेरी तरफ़ से रह गई थी उस दिन तो इसलिए मैंने शुरुआत यहाँ से की है अब उसके बाद थर्टी के बाक़ी दो वर्त महीने बच गए और फिर उसके बाद चालीस के आरम्भ के दो महीने क्योंकि चालीस का मार्च का महीना तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि मार्च में लाहौर रेजोल्यूशन पास किया गया लेकिन ये बीच के जो तीन या चार माह हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है और वैसे तो सारी स्टडी जो हम कर रहे हैं बार बार उसमें शब्द का जिक्र करने का इतनी आवश्यकता भी नहीं रह जाती तो यहाँ पे ये जो महीने चल रहे हैं यहाँ पे भी जिन्ना क्या कर रहे थे ये भी देखने वाली बात है कांग्रेस का तो हमने बता दिया कि उसने अपने आप को एक तरफ से अलूफ कर लिया साइड में कर लिया जो कि बहुत भारी नुकसान हो गया तो जिन्ना ने इस समय मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी एक सब कमेटी का निर्माण किया और उसमें उसने ये कहा कि ऐसी जो है स्कीम तैयार की जाए ऐसी प्रपोज़ल बनाए जाएँ जिससे मुसलमानों का हित जो है रखा जा सके और मुसलमान जो है उसके साथ कोई जाति ना हो तो यहाँ पे साफ साफ वर्किंग कमेटी में उसने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग तो उसने खैर बहुत ही बाद में किया है तो पाकिस्तान का शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिन्ना लेकिन वो बता यही रहा है वर्किंग कमेटी को कि ऐसे ऐसे स्कीम आप तैयार करो और वर्किंग कमेटी की जो सब कमेटी है इसने इस तरह की स्कीम तैयार भी की है। इसमें सिकंदर रियात खान ने एक स्कीम तैयार की है सिकंदर रियात खान कोई बहुत अधिक पार्टीशन के हक में नहीं थे और वो दो राष्ट्रों के सिद्धांत को भी नहीं मानते थे क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार बड़ी सशक्त थी और वो उस सरकार को चाहते थे कि चलती रहे उन्हें लगता था कि ये इंटर कम्यूनल ही चलेगी एक तो रीज़न ये था और दूसरा कारण बड़े ध्यान से अगर हम देखें कागज़ों को पढ़ें देखें तो हमें कहीं ना कहीं ये भी नज़र आती है कि सिकंदर हयात अब तक भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि उससे बड़ा नेता भी मुसलमानों का भारत में कोई है तो उसके मन के अंदर में ये बात भी थी तो इस कारण से उसने तो जो स्कीम तैयार की ना उसमें विभाजन की बात नहीं की है उसने उसने एक लूज फेडरेशन की बात कर दी कि जहाँ जहाँ मुस्लिम्स हैं उनको ऑटोनमी दी जाए इस तरह की वो बात कर रहे हैं साथ उसने अलग अलग जोन बताए इसी तरह से एक दूसरी स्कीम तैयार की जो चौधरी खालिद जम्मन ने की जो कि यूपी के प्रोविंशियल लीग के बहुत बड़े एक मुस्लिम लीग के नेता थे तो खालिद जम्मन ने जो स्कीम तैयार की है वो बहुत ज़्यादा पार्टीशन की तरफ जाती हुई स्कीम है हालांकि पूर्ण तरफ से तो वो भी नहीं है क्योंकि खालिद जम्मन ने जो स्कीम तैयार की है उसने उसने चौधरी रहमत अली की जो स्कीम थी ना पाकिस्तान की उसको स्टडी किया उसको रेफरेंस दिया है उसके आधार पे वो तैयार करता है इसी तरह से चौधरी मोहम्मद जफरुल्ला खान इन्होंने भी एक स्कीम तैयार की है ये भी काफ़ी हद तक दो राष्ट्र की जो सिद्धांत थे उसके बारे में बात करती थी लेकिन ये भी उस तरह की नहीं है जो 1940 में पास की गई थी यानी उसका प्रारूप कह लीजिए उसकी बैकग्राउंड यहाँ तैयार होनी शुरू हो गई है इसी तरह से एक हैदराबाद से हैं डॉक्टर लतीफ़ ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं इनसे भी कहा गया तो इन्होंने ये भी एक स्कीम तैयार की थी ये भी फेडरेशन लूज फेडरेशन की स्कीम थी इसी तरह से सिंध के मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे अब्दुल्ला हारून उन्होंने भी एक स्कीम तैयार की थी तो अर्थात मैं ये बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग ने इसकी चर्चा करनी 1940 के मार्च से पहले शुरू कर दी थी अब 1940 का मार्च का जब रेजोल्यूशन हुआ है वहाँ फिर लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो रखा गया जिसको बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा गया अब उसमें भी जरा हम ध्यान से देखें तो जिन्ना ने उससे पहले ही पाकिस्तान शब्द का प्रयोग तो लाहौर में भी नहीं किया गया उससे पहले भी उसने टू नेशन थेरी के आधार पे मुस्लिम अलग राष्ट्र है ये बताना शुरू कर दिया था जैसे फरवरी 1940 सौ में फरवरी का अंतिम सप्ताह है अट्ठाईस या उनतीस तारीख है दिल्ली में थे जिन्ना तो जिल, दिल्ली में इन्होंने लंदन का एक पेपर है उसको एक इनका इंटरव्यू है पेपर का नाम है न्यू क्रॉनिकल उसमें इंटरव्यू देते हुए इन्होंने साफ साफ ये कहा था कि भारत का मुसलमान हर तरीके से अलग राष्ट्र है ये अलग माइनॉरिटी नहीं है और भारत और ब्रिटिश के संबंध आने वाले समय में तभी सही होंगे जब जो है ब्रिटिश भारत को दो राष्ट्रों के तौर पे बनाएगा एक हिंदुस्तान और दूसरा मुस्लिम इंडिया ये शब्द उसने प्रयोग किया ये फरवरी 1940 है फिर उसके बाद जब ये सेशन में पहुंचे हैं तो यहाँ एक थोड़ी सी चर्चा ये भी करें कि सेशन लाहौर में क्यों कर रहे हैं जिना की जो सारी यहाँ पे गतिविधियाँ या तरीक़े हैं ना वो साफ साफ उसकी जो भावी उसकी प्रणाली है या भावी उसकी जो राजनीतिक रूपरेखा है वो दिखाई देती है यहाँ पर बड़े कैलकुलेटिव मूव है उसके 1937 का मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था लखनऊ में अक्टूबर में उसके बाद 1938 का सेशन हुआ था दिसंबर में पटना में 1939 का शेषन पहले ये तैयारी हो रही थी कि बम्बे में होगा तो जिन्ना उसको पोस्टपोन करते रहे हैं और बॉम्बे की बजाय अब ये लाहौर में क्यों किया है तो ये अपने आप में सोची समझी बात थी अचानक से नहीं हुआ था ये क्योंकि मुस अलग जो मुस्लिम राष्ट्र बनेगा वो बनेगा मुस्लिम मेजोरिटी प्रांतों पे तो इसलिए जो लाहौर रेजोल्यूशन है या यूं कह लीजिए कि अलग राष्ट्र का रेजोल्यूशन उस मुस्लिम प्रांत में पास किया जाएगा मुस्लिम मेजोरिटी है तो मुस्लिम मेजोरिटी कौन सा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सिंध पंजाब या बंगाल और इन चारों में अभी अगर ध्यान से हम देखें केवल जिन्ना ऐसा नहीं कह रहा है बल्कि ये किसी भी ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल ऑब्जर्वर को लगेगा कि सबसे महत्वपूर्ण पंजाब ही था क्योंकि यदि पीछे से मुस्लिम्स की और इस्लाम की कहानी के तौर पे देखें तो पंजाब की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा बनती है इसलिए इसने जानबूझ के तय किया कि ये रेजोल्यूशन ये जो सेशन है ये पंजाब में किया जाए एक कारण ये दूसरा कारण यह भी था कि पंजाब में जैसे थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की पंजाब के आम मुसलमान तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है हालांकि पॉलिटिकल पार्टी तो इन्होंने अपने कब्जे में कर ली यूनिस्ट के लोग इनके साथ आ गए लेकिन आम मुसलमान तक तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक ये आम मुसलमान को कोई एजेंडा नहीं देंगे ये तो पंजाब के आम मुसलमान को एजेंडा जानना चाहता है जिन्ना और वो भी कहाँ बैठ कर? पंजाब में बैठ के यानी कल को पंजाब के मुस्लिम नेता ये भी नहीं कह सकते कि हम तो जिन्ना की बात को नहीं मानते थे तो ये अपने आप में एक सोची समझी जो है बात थी जिसके अंतर्गत लाहौर में ये शैशन किया गया था अब ये सेशन लाहौर में चलता है 22 मार्च 1940 से लेकर और 24 मार्च 1940। 21 मार्च 1940 को लाहौर में भी जिन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने भी उसने साफ साफ कहा है यहाँ पे उसने कोई स्कीम नहीं बताई कोई बात नहीं की लेकिन उसने जो कहा है उसमें दो तीन शब्दों का जो प्रयोग किया है उसमें एक शब्द जो था कि लाहौर सेशन विल बी ए लैंडमार्क सेशन इन हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया लैंडमार्क शब्द प्रयोग कर रहे क्या हो क्या लैंडमार्क होगा ये नहीं बताया उसने यानी उसने अपना विचार 21 मार्च को बता दिया था उसके बाद 22 मार्च को शैशन शुरू हुआ मिंटो पार्क में जिसको लाहौर में आजकल इकबाल पार्क कहा जाता है मिंटो पार्क में सुबह जब सेशन शुरू हुआ है जब वहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना आए हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना ने काफ़ी लंबा भाषण किया है वहाँ पर दो घंटे का भाषण है बहुत सारी उसमें चर्चाएं की गई हैं लेकिन दो घंटे के भाषण में अंत में उन्होंने जो अगले दिन प्रस्ताव रखा जाना था उसकी रूपरेखा उसी दिन बता दी उसमें बड़े ज़ोर शोर से उसने कहा ये मैं बता देना चाहता हूँ जो अब तक कहा जाता है अब तक माना जाता है और अब तक सोचा जाता है कि भारत के मुसलमान एक माइनॉरिटी हैं तो भारत के मुसलमान किसी तरह से माइनॉरिटी नहीं है ये राष्ट्र है किसी भी दुनिया की डेफिनेशन में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कैनन में के अनुसार ये राष्ट्रीय है सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, भारत के मुसलमानों को अपनी सुरक्षा करने और अपनी एडवांसमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने अलग राष्ट्र की स्थापना करें ये बात उसने 22 मार्च को कह दी थी और 22 मार्च को इसलिए जय जयकार भी हुई है शाम को बहुत ज्यादा अब एक्चुअल प्रस्ताव रखा गया ये तेईस मार्च को जिसकी पहले से सारी रूपरेखा तैयार हो चुकी है मैं बता रहा हूँ ये जो प्रस्ताव तैयार किया था जो कि सब कमेटी तैयार कर रही थी उन्हीं में से लिए गए थे ये हमें बहुत ज़्यादा तलाश अगर हम करें डॉक्यूमेंट्स की तो ठीक से वैसे मिलता नहीं है कि एक्चुअल ड्राफ्ट किसने किया था ये लेकिन जितना तक इसमें खोजबीन मैंने की है तो ये वो ड्राफ्ट था जो कि चौधरी खालिक जम्मन और जफरुल्ला खान ने किया था उनको फिर फाइनल शेप मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वयं दी है मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको फाइनल शेप दिया है उस ड्राफ्ट को और उसी ड्राफ्ट को तेईस को पहले वर्किंग कमेटी जो है उसमें उसमें रखा जाता है ओपन पंडाल में उसको डिस्कस किया गया है तेईस को सुबह फिर उसके बाद उसको रेजोल्यूशन के तौर पे प्रस्तुत किया गया है रेजोल्यूशन के तौर पे यानी काफी हद तक मैं पर्सनली तो ये मानता हूं कि काफी हद तक ये प्रपोजल मोहम्मद अली जिन्ना ने ही फाइनल शेप दिया उसने तैयार किया ये अब इसको रेजोल्यूशन को कौन रख रहा है कौन सेकंड कर रहा है तो ये अचानक से नहीं हुआ है ये कौन व्यक्ति हैं क्या है ये भी अपने आप में जिन्ना की तरफ से बड़े ध्यान से करवाया जा रहा है इस प्रस्ताव को प्रेजेंट किया उस समय बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है जो कि मिली सरकार थी कृषिक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की ए के फजल हक उसने यह प्रस्ताव जो है ये पेश किया है इस प्रस्ताव को सेकंड किसने किया इस प्रस्ताव को सेकंड किया है यूपी के मुस्लिम लीग के बड़े नेता चौधरी खालिक जम्मन ने फिर इसको समर्थन किसने दिया सिंध के मुस्लिम लीग के उस समय सबसे बड़े नेता अब्दुल्ला हारून ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता औरंगजेब खान ने तो सभी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ही जा और पंजाब के मुस्लिम लीग के नेता मौलवी जफर अली खान ने तो सिकंदर याद खान तो हिस्सा खुद बन गया ना जब उसके लाहौर में पेश ही हो गया तो वो तो हिस्सा बन गए तो मुस्लिम मेजोरिटी प्रांत सारे के सारे हिस्सेदार कर दिए उसने और साथ में उसको भी कर लिया जहाँ से कहीं ना कहीं किसी रूप में ड्राफ्ट की तैयारी हो रही थी खालिक जुम्मन तो इस तरीके से प्रस्ताव रखा गया प्रस्ताव पास किया गया और प्रस्ताव को सपोर्ट भी किया गया तेईस को ही प्रस्ताव रखा गया इस पर दोबारा चर्चा चौबीस को हुई है चौबीस मार्च को एक्चुअल पास वास्तव में चौबीस मार्च को हुआ है लेकिन इसकी डिशन तो 21 को 22 को 23 को 24 को सभी हो रही है 24 मार्च को मुस्लिम लीग का ये वाला सेशन जो था ये आधी रात तक चला है इतना जोश आ चुका है वहां पे कि आधी रात तक चलता रहा ये सेशन मिडनाइट में जाके समाप्त हुए फिर 25 मार्च 1940 को लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 25 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने वही बात कही है जो उन्होंने 29 फरवरी को कही थी दिल्ली में जो उन्होंने 21 मार्च को कही थी लाहौर में आके और 25 मार्च को उन्होंने वही कहा दो बातें यहां पे लगती हैं नंबर एक तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों का अलग से राष्ट्र होगा भारत के मुसलमानों का और दूसरा आने वाले समय में इतिहास में जो 21 को कहिए वही बात कह रहे हैं आने वाले समय में इतिहास में ये लाहौर का जो सेशन है ये मुस्लिम लीग के इतिहास में भारत के मुसलमानों के इतिहास में लैंडमार्क रहेगा ये शब्द उसने 21 को भी प्रयोग किया है ये शब्द उसने 25 को भी प्रयोग किया है अब उसके बाद वापस जब हम आ जाएं आगे हम चले वापस से मेरा मतलब है जिन्ना जब वापस दिल्ली आ गए वो कहना चाहता था मैं वापस जब दिल्ली आ गए दिल्ली आने के बाद उसने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हालांकि ये जब प्रस्ताव पास हो गया इसमें पाकिस्तान शब्द प्रयोग नहीं किया गया इसमें कहा गया सोवरेन स्टेट मुस्लिम स्टेट और स्टेट की जगह भी शब्द जो एक्चुअल शब्द है ना वो स्टेट्स है तो इस इसमें हिस्टोरियन बहुत ज़्यादा डिबेट करते रहते हैं मुझे लगता है उसकी इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है एक्चुअली सॉवरन स्टेट की बात कर रहे हैं क्योंकि जब जिन्ना से अगले दिन पूछा गया था 25 को तो उसने कहा था वन सॉवरेन स्टेट और यही उसने 11 अप्रैल को भी दिल्ली में कहा है वन सॉवरन स्टेट तो ये स्टेट शब्द जो है ना किसी भी तरीके से यूं कह लीजिए भूल चूक से या किसी राइटिंग से हो गया तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिबेटेबल इशू नहीं है इस पर कोई इतनी ज़्यादा हिस्टोरिकल बहस करने की आवश्यकता नहीं है और पाकिस्तान का शब्द नहीं था उसमें सोरेन स्टेट तो कह दिया गया सेपरेट बाद में अखबार ने शब्द का प्रयोग किया जी भी भी उसको स्वीकार किया हाँ जी बिल्कुल ठीक है मैं अलग पाकिस्तान की अलग जो है पाकिस्तान के निर्माण की बात कर रहा हूँ ये बात वो कह रहा है तो पार्टीशन की बात जो 1940 में तो साफ साफ बता दी उसने ऑफिशियल तौर पे बता दी लेकिन अब तक जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि उसके माइंड में उसके कार्य में उसकी रूपरेखा में उसकी गतिविधियों में ये बात हमें तो पहले से दिखाई दे रही है सैंती सही चालीस में उसने ऑफिशियली बता दिया है क्योंकि अब उसको मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को तो उन्होंने ले लिया अपने साथ प्रांतीय पार्टियों को अब मुस्लिम जनता को लेना है तो मुस्लिम जनता को तो एजेंडा देना होगा ना तो इसलिए मुस्लिम जनता को उसने एजेंडा दे दिया और धीरे धीरे मुस्लिम जनता के पास जब आएंगे तो एक सिचुएशन ये आ जाएगी कि फिर जो मुस्लिम प्रांतों के नेता थे जो प्रांतीय पार्टियों के रहे थे धीरे धीरे इनका वजूद जो है ना जिन्ना इनको भी समाप्त कर देंगे जिन्ना के

वायसराय को लिखा है ललित गो को और दूसरा जेटलैंड लैंड को लिखा है जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे तो उन दोनों में उसने लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में बताया और अपनी एक तरह से ये बताया कि मुस्लिम लीग ने यह डिमांड किया क्योंकि अब तो बराबर का साथ उसको मिल चुका था उसके बाद जिन्ना जो है जून 1940 के अंतिम सप्ताह में शिमला में वायस राय से मिले हैं गो से और वायस राय को निजी तौर पे मिलके उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में सूचना दी है उनको और ये डिमांड बताई है कि हमारी ये डिमांड है और उससे एश्योरेंस मांगा है और लिलित गो ने उस समय उसको एश्योरेंस दिया है राइटिंग में बकायदा कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ये हम करेंगे प्रयोग अभी तो ऐसे एक्सटेम्पो ही ठीक चल है तो ये राइटिंग में है सारा कुछ लिखित में उन्होंने ये दिया है उसको आश्वासन कि ब्रिटिश राज की तरफ से मुस्लिम लीग को यह आश्वासन दिया जाता है कि भविष्य में किसी भी तरह के नए कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की बात आएगी तो ब्रिटिश साम्राज्य बिना मुस्लिम लीग के सलाह मशवरे के बिना मुस्लिम लीग के पूछे कोई भी निर्णय नहीं करेगा ये उसको आश्वासन दे दिया यानी उसने बता दिया कि हम आपकी बात को स्वीकार करते और इसी के आधार पे सितंबर 1940 में बम्बे में जिन्ना ने मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है ये मीटिंग जून में ही बुलाई गई थी लेकिन सितंबर वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सितंबर में स्पेशल इसलिए बुलाई गई मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी को ये बताने के लिए कि ब्रिटिश राज ने हमें स्वीकृति प्रदान करती है तो जो दोस्ती ब्रिटिश राज के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में जिन्ना और वाइस के बीच में जो शुरू हुई थी वो दोस्ती अब प्रवान चढ़ रही है तो ब्रिटिश राज ने उसको समर्थन प्रदान कर दिया है और सितंबर 1940 की मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी में उसने ये बताया है और मुस्लिम लीग ने इसके प्लेजेंटनेस जाहिर की है या इस बात पे खुशी जाहिर की है कि हमें ब्रिटिश राज ने इस बात की स्वीकृति प्रदान कर दी कि मुस्लिम राष्ट्र अलग राष्ट्र होगा या भारत के मुसलमान जो अलग राष्ट्र हैं अब थोड़ा सा अंत की तरफ हम कांग्रेस की तरफ ध्यान देते हैं ये क्या कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ यदि हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि कांग्रेस अभी भी बिल्कुल ढिलमुल ले रही है नॉन सीरियस कांग्रेस देख ही नहीं रही है कि मुस्लिम क्या कर रही थी जिन्ना क्या कर रहे थे जिन्ना और मुस्लिम लीग के बीच में क्या संबंध बन चुका था यहाँ पे दो या तीन अगर प्रमुख व्यक्तित्व की जिनको नेता कहेंगे उस समय बात करें हम तो नेहरू ने लेटर लिखा है महात्मा गांधी को और उसमें नेहरू नाराज़गी ज़ाहिर करता है कि ये अजीब सी बात कर रहे हैं अब तो और अब जिस तरह की बात इन्होंने की है इसके बाद तो अब इनसे कोई बात करने की आवश्यकता ही नहीं है तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है अब तो बल्कि ज़्यादा आवश्यकता थी अब तो ज़्यादा आवश्यकता क्यों क्या okay, आप बात नहीं करनी इनके साथ कोई भी और ख़त्म यहाँ पर दिए और उसने कोशिश भी नहीं की है बात करने की कोशिश नहीं कर रहा ब्रिटिश समर्थन दे रहा है भारी मात्रा में वहाँ लोग प्रेजेंट हैं लाहौर के सेशन में बंगाली मुसलमान भी था सिंधी मुसलमान भी था बलोच भी था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी था पंजाब से भी मुसलमान था और बॉम्बे का मुसलमान था मद्रास का मुसलमान था यूनाइटेड प्रोविंस का मुसलमान था भारी संख्या में वहाँ प्रेजेंट है और सभी प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर भी वहाँ प्रेजेंट है तो आप इसको इतना नॉन सीरियसली ले रहे हो कि बात करने की जरूरत नहीं है बात करने की तो बहुत ज़्यादा जरूरत थी फिर उसके बाद अगर हम पटेल की तरफ ध्यान दें तो पटेल ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि बात करेंगे या नहीं करेंगे लेकिन ये पटेल भी जो बात कर रहे हैं कुछ ज़्यादा उसमें कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ या राजनीतिक समझ की बात उसमें ज़्यादा नजर नहीं आती है वो कहते हैं कि ये बचकाना स्कीम है और बेवकूफ़ाना स्कीम है जो कि कभी हो नहीं सकता यानी वो भी इसको नॉन सीरियस सही ले रहा है गांधी ने लेकिन काफ़ी बड़ा इसके ऊपर जो है एक लेख लिखा है और गांधी ने ये बात वाइस राय के साथ भी गांधी की डिस्कस होती है तो उन गांधी की जो डिस्कशन वाइस राय से हुई और गांधी ने जो लेख लिखा दोनों लगभग एक ही बात है तो अगर वाइस राय ने क्यों गांधी से पूछा भी था कि अब इस प्रस्ताव के बाद आप क्या कहते हैं आप तो कहते थे कि आप यूनाइटेड इंडिया के लिए लड़ रहे हैं और आप भारत को रिप्रेजेंट करते हैं गांधी विशेष तौर पर ये कहते हैं हमेशा तो अब आप क्या कहते हैं तो इसके संदर्भ में उसने हरिजन में जो है ना लेख लिखा है तो गांधी उसमें लिखते हैं कि भाई ऐसा है कि यदि ये सभी भारत का मुसलमान जो है कन्वर्टेड मुसलमान है ये जो हिंदू हैं उनके डिसेंडेंट है और यदि धर्म बदल देने से अलग राष्ट्र बनता है तो क्या यदि भारत के सभी हिंदू जो है वो मुसलमान बन जाएंगे तो वो सारा राष्ट्र क्या है अलग मुसलमान राष्ट्र बन जाएगा ये प्रश्न करता है लेकिन अंत में इसमें गांधी ने एक बात और भी लिखी है गांधी कहते हैं लेकिन वास्तव में और वो एक्चुअली जवाब दे रहे थे वाइस राय को गांधी ने जो लिखा ना वाइस राय को जवाब दे रहे थे वाइस राय ने जब प्रश्न पूछा था लेकिन वास्तव में तो कहते हैं ये सभी हमारा जो है ना इस समय ज्वाइंट फैमिली है ये हमारी परिवार है सारा हिंदू है मुसलमान है और ज्वाइंट फैमिली में किसी भी भाई को ये अधिकार होता है कि अगर वो अलग होना चाहता है तो वो हो भी सकता है ये बात यहाँ पे गांधी ने कही है कि ज्वाइंट फैमिली में तो गांधी इसको एक पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं गांधी ऐसा नहीं है कि उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं उसका वो ब्रिटिश को बता रहे हैं एक्चुअली कि भाई हम तो भाई हैं यही बात वो जिन्ना को आखिर तक कहते रहते हैं कि हम तो भाई हैं तो उसको बताना यह चाहता है कि हम तो भाई हैं अलग राष्ट्र नहीं है बेसिक जो यहाँ पे लैंग्वेज है ना बेसिक जो पॉलिटिक्स है यहाँ पे जिन गांधी की गांधी भी उतने ही बड़े पॉलिटिशियन हैं महात्मा के साथ साथ गांधी ऑल्सो वेरी मच वेरी गुड पॉलिटिशियन राष्ट्र की जहाँ तक बात आती है वो अच्छा खासा उसके लिए संघर्ष करते हैं पोलिटिकल लेवल पर तो गांधी जो है वो गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुस्लिम अलग राष्ट्र नहीं है हिंदू अलग कोई राष्ट्र नहीं है तो दो भाई हैं यानी राष्ट्र एक है दिस इज वट गांधीवाज सेंग इसको इस तरह से समझने समझे आप राष्ट्र एक है लेकिन उसको इसने कहा है इस तरीके से ये बात हुई है तो कांग्रेस ने लेकिन जिन्ना के साथ बात करने की कोशिश नहीं करी मुस्लिम लीग के साथ बात करने की कोशिश नहीं की उनसे ये पूछा नहीं है भाई आपने ये क्यों प्रस्ताव पास कर दिया ये तो ठीक नहीं है आप बताएं क्या चाहते हैं या हम इस तरह से ये उन्होंने कुछ भी बातचीत इनके साथ नहीं करी है तो ये कांग्रेस की हमें यहाँ पे गलती नजर आती है जबकि पाकिस्तान प्रस्ताव लाहौर रिजोल्यूशन पूर्ण रूप से जो है सीरियस एक रेजोल्यूशन था कुछ हिस्टोरियन जो बात तक प्रश्न उठाते रहते हैं कि बारगेनिंग काउंटर था ये कोई बारगेनिंग काउंटर नहीं है क्योंकि जिन्ना तो उन्नीस से ही पार्टीशन की तरफ चलना शुरू हो चुके थे तो आज के अपनी बातचीत में हम यहीं तक करेंगे